नमस्कार, आई होप आई एम ऑडिबल। हाँ, मुझे इतना पता चल जाए कि सुनाई दे रहा है तो फिर मैं शुरू करूं। कमेंट मॉडरेशन नॉट सेट। ओके, हेलो, एम आई ऑडिबल? वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबडी। आई कैन सी द कमेंट्स एंड नाउ आई एम चार्ज्ड अप। सो आई विल टेक द कॉल। हेलो हेलो, हाँ जी सर, जी, ठीक है ठीक है, आई गॉट इट, मुझे मिल गया स्टूडेंट्स। ठीक है फिर। सॉरी स्टूडेंट्स फॉर दिस टेक्निकल ग्लिचेस, बट स्टिल लर्निंग, यू नो हाउ टू बी मोर इफेक्टिव एंड हाउ टू एजुकेट माई सेल्फ, यू नो, टू टू बिल्ड अ बेटर सोसाइटी, टू बिल्ड अ नॉलेजेबल एंड टेक्निकल सोसाइटी। एक्चुअली आज का जो सत्र है, मुझे जैसे कहा गया था कि मुझे बाइलिंगुअल रहना है, तो मैं नीना हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। आई एम जस्ट अ कॉल अवे। नीना डॉट अदिति एट जी मेल डॉट कॉम इज समथिंग, वेन यू गूगल सर्च यूल फाइंड मी। सो किसी भी एजुकेशन का मुझे लगता है द फर्स्ट एस्पेक्ट विच आई फील इज स्टार्ट विथ अ क्वेश्चन। तो जब भी मैं क्लास में भी, इफ आई गो, आई स्टार्ट विथ अ क्वेश्चन। सो वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हैट्स ऑफ टू यू दैट यू आर कमिंग अक्रॉस विद दिस मोड एंड वी आर लर्निंग। तो आज का जो ये सत्र है वो है एजुकेशन, शिक्षा और समाज के बीच का अंतर संबंध। तो मुझे लगता है कि शिक्षा का पूरा आधार ही यही जो हमारा थीम है वही है कि शिक्षा किस लिए, शिक्षा का जो एक्चुअल उद्देश्य है वो है क्या, वो है एक पुख्ता समाज बिल्ड करने की। तो इसको हम थोड़ा सा अगर इस, जैसे कि 50 मिनट है, 1 घंटा का समय है, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू पुट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी उन सवालों का जवाब ज़्यादा दूँ, क्योंकि थोड़ा सा रिलेट करूँगी कि हमारा जो क्यों मैंने कहा, क्यों ये बात कही कि प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप हमारे किसी भी, आई नो आई आई शुड बी डिस्कसिंग अबाउट डाइवर्सिटी को ध्यान में रख के मुझे बात करनी चाहिए, तो कोशिश करूँगी जगह जगह से एग्जाम्पल्स ला करके और एजुकेशन को समझने की कोशिश करें। लेकिन आप अगर अपने एंशियंट शास्त्रों वगैरह में देखें तो इट स्टार्ट्स विथ क्वेश्चन, है ना, सवाल से, चाहे वो श्रीमद् भगवद गीता हो या चाहे वो कोई भी लिखा गया हो, प्रश्न पूछने का अधिकार सबसे पहला आधारभूत है किसी शिक्षा में, कि आप सवाल करें। तो दैट इज द फर्स्ट बेसिस, क्योंकि समाज तभी परिवर्तित होगा, तभी विकसित होगा जब दिमाग विकसित होगा। तो वो एक पहला चीज है। दूसरा चीज ये है कि इस पूरे टॉपिक को पकड़ने का मेरा तरीका ये होगा कि पहले हम ये तो समझें कि भाई शिक्षा है क्या, समाज क्या है, और दोनों के बीच में संबंध क्या है। आज के सत्र में इतना ही, सो दैट वी अंडरस्टैंड। दूसरी चीज, तीसरी चीज अगर हम देखें, जैसे मैंने अभी शास्त्रों की बात कही जिसमें एजुकेशन में था कि भाई सवाल से ही शुरू होता है कि ये क्यों है, धर्म क्या है, कर्म क्या है, भक्ति क्या है, यू नो, रिलेशनशिप क्या है, ये सारे ऐसे सवाल हैं जो आज के सवाल नहीं है, ये बड़े पुराने सवाल हैं। चाहे आप कोई भी धर्म उठा करके ले लीजिए, सभी धर्मों में भी इसका जिक्र आता है कि भाई वॉट इज़ द बेस्ट डीड, है ना, सही कर्म क्या है और क्यों वो कर्म करना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका असर एक व्यक्ति, एक परिवार और समाज से पड़ता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षा को भी हम समझें कि शिक्षा है क्या, हम ये भी समझें कि समाज है क्या। और बहुत जल्दी में मैं अगर आऊँ तो मैं अपने आर्ग्यूमेंट को सेट करना चाहती हूँ कि अगर आप देखिए कि यूनेस्को के जो गाइडलाइंस थे, ये जो सब कुछ मैं बोल रही हूँ, यूनेस्को के गाइडलाइंस, ये पूरा एक डिटेल पढ़ाना संभव नहीं है, तो आप इसको रेफरेंस के तहत लेते जाइएगा। व्हेन आई से यूनेस्को गाइडलाइंस, व्हेन आई से इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन, राइट, व्हेन आई से
universal declaration of human rights article 26 which talks of you know education for everyone I mean education for all at least children they should be educated at elementary education to aapka sabse bada as students मुझे लगता है कि सबसे पहला काम आपका ये होगा कि यू गो टू द यूनिवर्सल यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड सी व्हाट एग्जैक्टली आर्टिकल 26 इज सेइंग बिकॉज दैट विल बी टेकन एज अ रेफरेंस द आर्ग्यूमेंट इज दैट यूनेस्को हो या ह्यूमन राइट्स हो का डिक्लेरेशन हो इट टॉक्स ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड हारमोनी Right, Article 26 UDHR says, Universal Declaration of Human Rights says, कि टॉलरेंस भाईचारा फ्रेंडशिप है ना दोस्ती इट टॉक्स ऑफ टॉलरेंस इट टॉक्स ऑफ पीस इट टॉक्स ऑफ फ्रेंडशिप इट टॉक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स इट टॉक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन अ वे इट शुड बी टॉट टू पीपल एजुकेशन का ऐसा रोल होना चाहिए कि शिक्षा से लोग इस चीज़ को समझ जाएं ताकि सभी देशों के बीच में परिवारों के बीच में लोगों के बीच में क्या कायम रहे पीस कायम रहे ठीक है दूसरा थर्ड आर्ग्यूमेंट इज आप सस्टेनेबल गोल के जो हमारे जो गोल्स हैं उसमें SDG 4 को आप देखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 इट टॉक्स ऑफ एजुकेशन सो कहने का मतलब है कि हैविंग सेड दैट व्हेन आई से दैट आई वांट टू अप्रोच द टॉपिक कॉल्ड एजुकेशन रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी एज अ प्राइमा फेसी एज अ बेस होमवर्क वी नीड टू सी इंटरनेशनल कमीशन ऑफ एजुकेशन डिक्लेरेशन वी नीड टू सी यूनेस्को क्या कहती है वी नीड टू सी UDHR वी नीड टू सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 ठीक है ताकि आपका आर्ग्यूमेंट नॉलेज बिल्ड्स कन्विक्शन है ना कमिटमेंट जब हमारा नॉलेज अच्छा होगा तो हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी तो हमारा कन्विक्शन भी उतना ही होगा कि एजुकेशन का एक बड़ा मेजर रोल है अब सवाल ये आता है कि एजुकेशन क्या है और सवाल ये आता है कि समाज क्या है ये दो चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है देखिए विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समाज के बारे में मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि इफ़ आई वुड हैव टेकन दिस क्लास ऑफलाइन आई वुड हैव आस्क्ड यू इमीडिएटली व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट सोसाइटी है ना समाज का क्या मतलब है बहुत समाजशास्त्रियों ने लिखा समाज के बारे में आप फिलहाल इतना समझिए कि समाज का मतलब है वो विज्ञान जिससे हम संबंधों के विज्ञान को समझते हैं या संबंधों के कलात्मक विज्ञान की समझ बनाते हैं उस साइंस को उस विज्ञान को हम समाजशास्त्र कहते हैं राइट एक मकाइवर एंड पेज बहुत बड़े नामी इन्होंने किताब लिखी सोसाइटी तो उन्होंने एक लाइन में यू नो ही डिफाइंड कि व्हाट इज सोसाइटी सो ही डिफाइंड सोसाइटी इज अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप एंड व्हाट इज दिस नेटवर्क हाउ डज दिस नेटवर्क ऑपरेट्स द नेटवर्क इज बेसिकली वन टू वन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इंडिविजुअल टू ग्रुप ग्रुप टू ग्रुप इंडिविजुअल टू ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन यू नो एंड कम्युनिटी टू कम्युनिटी ग्रुप एंड कम्युनिटी Institute relationship which is being affected because of different social institution so relationship between individual and different social institutions तो ये एक जाल है जो अगर हम समाज में खड़े हैं अगर हम या कहें कि हमारी as if we come in the womb of a mother है ना जैसे ही हम अपनी माता के कोख में आते हैं तो संबंध का ताना बाना शुरू हो जाता है कि भाई हम किसके पुत्र हैं किसकी पुत्री हैं किस कौन हमारा पिता है हमारा परिवार क्या है हमारी जाति क्या है हम किस क्लास में हैं मेरा हायरार्की क्या है समाज में वो कौन सा कल्चर है वो संस्कृति क्या है यही सारे तो सिलेबस हैं समाज के समाजशास्त्र के है ना अलग अलग से फिर आप किसी दिन पढ़ेंगे कि परिवार क्या है आप अलग से पढ़ेंगे कि कानून क्या है अलग से पढ़ेंगे कि रिलीजन क्या है कल्चर क्या है ये सारे सोशियोलॉजी के इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके साथ हम कोशिश करेंगे कि एजुकेशन का क्या रिलेशनशिप है उसको समझने
So am I clear when it comes to what is society as of now? Society is basically, it's a group of relationship, right? It's a group of relationship where people are there, group of persons, people's relationship, जिस जो कि डिनोट करता है खास तरीके संस्कृति का और संबंधों का। अब मेरा ये सवाल है आपसे कि जब हम ये पूछते हैं कि ग्रुप ऑफ रिलेशनशिप, तो एक छोटा सा सवाल ये आता है, क्या मेरे अंदर समाज है? और यहीं से एजुकेशन को हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। मैं समाज के अंदर तो हुई हूँ, मेरे अंदर समाज है क्या? तो जो मेरे अंदर है समाज और मैं, मेरा जो ताल्लुक है, जो संबंध बनता है समाज के साथ, वो रोल जो है वो एजुकेशन का है, राइट? हाउ डू आई डेवलप माई पर्सनैलिटी टू बिकम एन इंडिपेंडेंट एंटिटी ऑफ द सोसाइटी, बिकम्स, यू नो, इट्स अ रोल ऑफ एजुकेशन। इज दैट क्लियर? अगर मैं फास्ट जा रही हूँ कुछ, तो आप कमेंट में जरूर लिख देंगे, मैं बार बार ये कमेंट्स भी देखते जा रही हूँ। अब चलते हैं एजुकेशन की तरफ। अभी मोटा मोटा मैंने आपको समझाया है कि दिस इज कॉल्ड, यू नो, सोसाइटी। आई मीन सोसाइटी इज समथिंग विच इज अ नेटवर्क, अ साइंस विच रीड्स, विच स्टडीज, विच क्रिटिकली एनालाइजेज, विच अंडरस्टैंड्स, विच रिफ्लेक्ट्स the understanding of the network of relationships is society, right? Then when we come down to education, what is education? You, everybody will be having different you know definitions of education. पर एक यहीं पे मेरे दिमाग में अभी एक और बात आ गई कि क्या literacy और education एक ही चीज है, है ना? लिटरेट होना, अक्षर ज्ञान होना, साक्षर होना, और क्या शिक्षित होना एक ही चीज है, एक ही बात है? आप अपने कमेंट में अपने व्यूज देते जाइएगा, वो मुझे बहुत मदद करेगा कि आप शायद वी आर इंटरैक्टिंग। तो सबसे पहली बात, मेरा ये मानना है कि साक्षर होना और शिक्षित होना ये दोनों अलग चीजें हैं। साक्षर होना अक्षर ज्ञान हुआ, ठीक है, कि आप अक्षर, आप अपना नाम लिखना सीख गए, आपको कोई एप्लीकेशन लिखना है एप्लीकेशन सीख गए, उसको किस तरीके से उसको कम्युनिकेशन करना है, उसका उसकी भाषा क्या होगी, उस भाषा में आप किस तरीके से प्रेषित करेंगे, वो तौर तरीके हम सीख गए, हाँ, वो भाषा ज्ञान हमें हो गया। लेकिन एजुकेशन अपने आप में इट्स अ ब्रॉड टर्म, एजुकेशन अपने आप में बहुत गूढ़ है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को इस नज़रिए से देखें कि एजुकेशन, इसीलिए मैं आती हूँ समाज कार्य से, तो बहुत इसमें यह है कि समाज कार्य में भी फोकस अपॉन कम्युनिटी एजुकेशन है ना, कि हम जब क्षेत्र कार्य वगैरह के लिए जाते हैं तो हम अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि एक तरफ अक्षर ज्ञान है, ये जानकारी लेने की कोशिश करें कि आप जहाँ भी अपने क्षेत्र कार्य के लिए जाते हैं वहाँ कितने लोग साक्षर हैं, लेकिन आपको शिक्षा देने के लिए पूरी की पूरी कम्युनिटी हो सकता है एजुकेटेड हो, राइट? जैसे अगर आप, मेरा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी दादी को अक्षर ज्ञान, वो साक्षर नहीं थी, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पूरे गांव में और आसपास के गांव में, इफ शी वाज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एजुकेटेड वुमन। नाउ हाउ? बिकॉज एजुकेशन इज समथिंग विच सराउंड्स, विच एनवेलप्स द एंटायर सोशल एनवायरनमेंट इन इट्स गैमट, है ना, अपने अंदर पूरे सोशल एनवायरनमेंट से एसोसिएटेड, कल्चर से एसोसिएटेड, हाँ, बहुत सारी चीज़ों का साइंटिफिक तरीका, नज़रिया क्या होगा, वो एजुकेशन प्रोवाइड करता है। सो ये एक चीज़ है जो आपको, आप लोग डीएलएड में हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन साक्षरता और शिक्षा क्या है, ये आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। नाउ हैविंग सेड दिस, कि एक बात की शिक्षा उसको कहते हैं जिसमें मनुष्य अपने आप को जान पाए। मैं कोई फिलोसॉफिकल ज्ञान नहीं दे रही हूँ, पर शिक्षा वो चीज़ है, ऐसा सामाजिक संस्था है,
शिक्षा एक सामाजिक संस्था है जो कि एक व्यक्ति को उसके बारे में और उसके होने का, उसकी भूमिकाओं का, उसकी जिम्मेदारियों का ज्ञान करवाता है। दैट इज वन थिंग। सेकेंड सेकेंड इज शिक्षा एक वो एस्पेक्ट है जो, चूंकि शिक्षा एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, सो इट क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज गेनिंग। तो एजुकेशन में वो, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशन में स्कूल इज एन एनवायरनमेंट, स्कूल इज अ प्लेस विच इज कैटेगरिकली फोकस्ड अपॉन इंटरैक्शन ऑफ नॉलेज और गेनिंग प्रैक्टिसिंग एजुकेशन। सो प्रैक्टिसिंग एजुकेशन का एक जीवंत उदाहरण हम कह सकते हैं विद्यालय है, जहाँ आपको जाना है, जहाँ आप सोचते हैं कि वहाँ प्राइमरी लेवल पे यू विल क्रिएट एन एनवायरनमेंट। तो एज डीएलएड स्टूडेंट्स, प्राइमरी एजुकेटर्स, आपका सबसे बड़ा रोल तो ये होता है हाउ टू क्रिएट अ लर्निंग एनवायरनमेंट। मैं आई गिव यू वन एग्जाम्पल ऑफ माई सन व्हेन ही वॉज इन क्लास 1 और 2, प्रोबेबली व्हेन ही केम एंड ही सेड दैट एवरी टाइम वाई इज इट सो दैट टीचर सेज चुप रहो चुप रहो, डिसिप्लिन डिसिप्लिन, चुप रहना मतलब डिसिप्लिन होना। सो दैट मीन्स समवेयर यू नो योर माइंड्स आर, चिल्ड्रन वॉन्ट्स टू मेक नॉइस, राइट? सो कैन वी थिंक ऑफ एन एनवायरमेंट विच इज बेस्ड ऑन डायरेक्टेड नॉइस? नॉइस तो होगा, बच्चा है तो नॉइस होना चाहिए। सो कई बार क्या होता है कि क्या हम बच्चों के का जो वो नॉइज है, सपोज इफ आई एम टेकिंग एनी टॉपिक, एनी थीम विच आई एम इंट्रोड्यूसिंग, और उस थीम को इंट्रोड्यूस करते करते अगर मैं बार बार यही कहूँ कि हमारा एज टीचर द स्किलफुल एजुकेशन, स्किलफुल लर्निंग एनवायरनमेंट इज ब्रिंगिंग चिल्ड्रेन इन टू दैट एनवायरनमेंट सो दैट दे स्टार्ट क्रिएटिंग नॉइज अबाउट दैट पर्टिकुलर थीम, अबाउट द एक्सपीरियंसेस दे हैव और इंसाइट्स दे हैव अबाउट दैट पर्टिकुलर थीम, तो क्या होगा कि एक डायरेक्टेड नॉइज होगा। नॉइज तो होना बहुत जरूरी है, पर नॉइज शुड नॉट बी हेवाय। तो एज प्राइमरी टीचर्स विल हैव टू प्ले विद दिस इंक्विजिटिव माइंड्स विच स्टार्ट क्वेश्चनिंग, विच स्टार्ट क्रिएटिंग डिस्कोर्स विद इन द क्लास रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर थीम विच यू आर गोइंग टू टच। सो द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, इफ आई से हाउ टू डिफाइन एजुकेशन, एजुकेशन इज क्रिएटिंग अ स्पेस ऑफ लर्निंग। दैट्स द सेकेंड अंडरस्टैंडिंग आई वुड पुट फॉरवर्ड बिफोर द क्लास। देन द थर्ड थिंग विच आई वुड लाइक टू से दैट एजुकेशन इज बेसिकली प्रोमोटिंग द सोसाइटी टूवर्ड्स डेवलपमेंट, राइट? विकास की ओर, क्योंकि प्राइमरी जो कॉम्पोजिट्स हैं एजुकेशन के वो क्या है ना, एजुकेशन कंप्राइजेज ऑफ नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड एंड विच इज ट्रांसलेटिंग इन द बिहेवियर। सो दीज आर द 3-4 एस्पेक्ट्स थ्रू विच नॉलेज इज कंप्राइज ऑफ। ये किसके बिहेवियर, किसके स्किल, किसके एटीट्यूड टूवर्ड्स, इफ वी रिलेट विद द सस्टेनेबल गोल, इफ वी रिलेट विद द इंटरनेशनल कमीशन फॉर पीस एंड हारमोनी, राइट? मैं जोड़ूंगी कि कुछ कुछ हमारे जो विद्वत लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, शिक्षाविद हैं, उन्होंने किस तरीके से एजुकेशन को डिफाइन किया सो दैट इट इज मोर क्लियर। देन एजुकेशन का एक और रोल है ट्रांसफरिंग द नॉलेज इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। नॉलेज होकर ही क्या होगा जब हमारे पास नॉलेज है लेकिन अब वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा है किसी चीज़ को, वो ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, स्प्रेड नहीं हो रहा है, तो फिर वो किसी काम का नहीं है। नॉलेज इज बाउंड टू बी ट्रांसमिटेड एंड स्प्रेडेड, देन ओनली इट विल, तभी वो कारगर साबित होगा, है ना? सो ये एक एस्पेक्ट है जो आपको एजुकेशन और सोसाइटी के रिलेशनशिप के साथ आपको समझने की ज़रूरत है। देन एजुकेशन इज समथिंग विच इज इट इज़ अ कॉन्स्टेंट इवॉल्विंग प्रोसेस। से फॉर एग्जाम्पल आज आज जैसे मैं फेसबुक लाइव करी, तो आई हैव लर्न्ड
यू नो यूजिंग टेक्नोलॉजी विद द टेक्नीशियन ऑफ एस सी आर टी, वहाँ आपके ऑफिस के एस सी आर टी के ऑफिस के लोगों के थ्रू, यू नो द इंस्ट्रक्शंस विच दे गेव एंड द टेक्निकलिटीज आई हैव. सो इट्स अ कॉन्स्टेंट इवॉल्विंग. सो नाउ आई नो हाउ टू यूज फेसबुक लाइव, यू नो, टू हैव द एजुकेशनल प्रोग्राम्स लाइक दिस. सो दिस इज एजुकेशन हैज़ अ रोल ऑफ कॉन्स्टेंट इवॉल्विंग. आज आप जो 45 मिनट्स या आज आपकी 2 घंटे की क्लास थी, तो 2 घंटे के क्लास से पहले के जो व्यक्तित्व तो आपका है और 2 घंटे के बाद का व्यक्तित्व तो में बहुत कुछ बदल गया होगा. मेनी थिंग्स वुड हैव, यू नो, एंटर्ड इन योर पर्सनैलिटी एंड यू हैव स्टार्टेड इंटरैक्टिंग विद इन योर पर्सनैलिटी कि इसका मतलब क्या है, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग में क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट. अभी एक सेशन 1 घंटा आपका पहले हो चुका है. सो रिलेट एजुकेशन इज समथिंग विच स्टार्ट, यू नो, कॉन्स्टेंट डायलॉग बिटवीन योर पर्सनल सेल्फ एंड द इवॉल्विंग सेल्फ. सोशल वर्क में हम उसको कहते हैं प्रोफेशनल सेल्फ, व्यावसायिकता की ओर. आप भी बन रहे हो ना DDLED टीचर्स हो गए, तो टूवर्ड्स द मेकिंग ऑफ अ टीचर. सो यू स्टार्ट इंटरैक्टिंग बिटवीन, एजुकेशन का मतलब ही वही, उसका ब्यूटी ही वही है कि कॉन्स्टेंट इवॉल्विंग. सो दैट इज द सेकेंड थिंग. इसके अलावा, इसके साथ आई विल से कि एक बहुत इसके इससे कनेक्टेड पॉइंट कि इट इज़ अ कॉन्स्टेंट इवॉल्विंग थिंग, शिक्षा क्या है, वो आपके अनुभव को बढ़ाता है, राइट, आपके एक्सपीरियंसेस को बढ़ाता है. एंड देन एक्सपीरियंस देन कम बैक एंड इट क्वेश्चंस दैट माय एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस का फिर एक एपेटाइट होगा, भूख लगती है ना, इट्स अ ऑन गोइंग साइकिल. जॉन डेवी थे जिन्होंने इसको कहा कि इट्स अ साइक्लिक एक्सपीरियंस, इवॉल्विंग एक्सपीरियंस, इट्स अ प्रोसेस ऑफ डिजायर्ड चेंज, राइट. सो सिमिलरली दैट हम शिक्षा से कुछ अनुभव करते हैं, उस अनुभव को हम व्यवहारिकता में देखते हैं, कहाँ तक वो जायज है या कहाँ तक वो एप्लीकेबल हो रहा है, और फिर हमारी एप्लीकेबिलिटी फिर हमको वापस से मोटिवेट करती है, हमको प्रेरणा देती है कि हमें और क्या शिक्षा में लेना है और हमें कैसे अपने अनुभव को आगे बढ़ाना है. दिस इज हाउ इट इवॉल्व्स, यू नो, दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल प्रोसेस आई थिंक. व्हेन वी आर बॉर्न एज अ ह्यूमन बीइंग, तो ये सबसे सबसे अच्छा और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस है, इवॉल्विंग एक्सपीरियंस है, द रिलेशनशिप बिटवीन मी एजुकेशन एंड सोसाइटी, सोसाइटी मी एंड एजुकेशन, ठीक है. ये जो साइक्लिक रिलेशनशिप है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ, दैट इज वन विल हैव टू अंडरस्टैंड. जिसको जॉन देवे हैं जिन्होंने 1916 में, ही सेड दैट रिकंस्ट्रक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रोवाइडिंग न्यू मीनिंग टू योर एक्सपीरियंसेस. सो एवरी डे, यू नो, यू आर रिकंस्ट्रक्टिंग योर एक्सपीरियंसेस, यू आर रीऑर्गेनाइजिंग योर एक्सपीरियंसेस एंड टुगेदर यू आर बिल्डिंग, यू आर इवॉल्विंग, यू आर क्रिएटिंग अ न्यू मीनिंग टूवर्ड्स योर एक्सपीरियंसेस. सो इट इज ऑल्सो समथिंग मीनिंग मेकिंग, राइट. मीनिंग मेकिंग एक है, आस्पेक्ट है जो कि हमेशा ऑनगोइंग चलता है. आज आपने किसी चीज़ को एक नज़रिए से देखा, कल को क्या हुआ, कल आपने कुछ नॉलेज या आपने कुछ पढ़ा जिससे आपके ज्ञान में संवर्धन हुआ, समृद्धि हुई, तो आपका उसी उसी फेनोमेना को, उसी सामाजिक घटना को या इवेंट को या व्यक्ति को या इंस्टीट्यूशन को देखने का आपका नजरिया बदल गया, राइट. सो दिस इज कॉल्ड, यू नो, प्रोवाइडिंग न्यू मीनिंग, मेकिंग न्यू मीनिंग फ्रॉम दी रीऑर्गेनाइजिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग योर एक्सपीरियंसेस, एंड दिस इज एजुकेशन. एजुकेशन का मतलब आपको, अदरवाइज एजुकेशन का डेफिनेशन आपको मैं बताऊंगी, कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, सेकेंडरी डेटा में आपको क्या क्या मिल जाएगा, बट माई रोल टेलिंग, माई रोल इज मोर इज ऑफ टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी, रादर देन वॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी. वॉट तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, बट इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ टू मेक अ मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, राइट. देन यू सी दैट आई हैव ऑलरेडी इन द बिगिनिंग आई हैव सेड दैट
education is a social institution. So what are social institution? इन सोशियोलॉजी सोशल इंस्टीट्यूशंस आपका दूसरा टॉपिक भी है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में उसमें नहीं जाऊंगी, फिर मैं उस रिलेशनशिप में आऊंगी जो समाज और शिक्षा के बीच में है. बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट सोशल इंस्टीट्यूशंस आर द नॉर्म्स यूसेजेस, वन कैन से रूल्स एंड रेगुलेशंस पर्टेनिंग टू यू नो द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स और पीपल हु आर पार्ट ऑफ सोसाइटी, राइट. तो वो रूल्स रेगुलेशंस क्या है, जैसे कि मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन एक सोशल इंस्टीट्यूशन है. सो हम कहते हैं व्हाट इज एजुकेशन, एजुकेशन इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन विच टेल अस, यू नो, विच टेल अस व्हाट इज अप्रोप्रिएट, व्हाट इज इनअप्रोप्रिएट, व्हाट इज लीगल, व्हाट इज मॉरल, व्हाट इज एथिकल, व्हाट इज अनएथिकल. So it is the education which has the beauty of providing us the sense, the rational thinking of making that critical assessment between do's and don'ts, you know, moral, immoral, ethical, unethical, etc., etc. See, Giddens, he said that, Anthony Giddens, mein chahungi ki aap padhe bhi. Education as a social institution, and the definition which was given was that it enables and promotes the acquisition of skills, jo humne pehle bhi kaha, knowledge and broaden the personal horizons. Education mein ek bahut khas baat ye hai ki wo aapka personal horizon ko increase karta hai, right? wo personal horizon kya hai, abhi thodi der pehle I said that we start dialogue विथ आर पर्सनल सेल्फ, है ना. जैसे बहुत चीज़ों के बारे में अगर हमें जानकारी नहीं है तो बड़े होने के नाते हम ये नहीं कहते कि हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है. हमें जानकारी नहीं है तो हम कुछ भी या कोई ऐसी धारणाएं बना लेते हैं या पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो जाते हैं, है ना, किसी के बारे में. तो इसीलिए अगर आप देखेंगे कि एक शिक्षित व्यक्ति जो कि शांति की तरफ, जो ये जो कि समझ को सबसे ज़्यादा महत्व देता है, वो कभी भी निर्णयात्मक स्टेटमेंट्स नहीं देगा, वो जजमेंटल स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते. दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, है ना. तो जजमेंटल स्टेटमेंट्स जो है वो एजुकेटेड पीपल दे ओनली गिव व्हेन इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू adopt a particular society for desired development, for जो विकास उन्मुख हो, जो विकास के लिए बहुत ज़रूरी हो, तभी वो बोलेंगे कि भाई ये आधारभूत चीज़ें हैं और इसको करना बहुत ज़रूरी है. नहीं तो किसी व्यक्ति के प्रति, किसी समुदाय के प्रति, किसी खास जाति के प्रति हम जो जजमेंटल हो जाते हैं, वो एक एजुकेटेड व्यक्ति से अपेक्षा नहीं है, उससे अपेक्षा नहीं किया जा सकता है, ठीक है. सो दैट इज व्हाट ही सेज, गिडन सेज दैट इट ब्रॉडेंस द पर्सनल हराइजन. जब आपका पर्सनल हराइजन ब्रॉडन होता है तो आप क्या करते हैं, परानुभूति का एक कंसेप्ट है, एम्पैथी, एम्पैथी एंड एजुकेशन बिकम्स, व्हेन दे आर टुगेदर देन यू गेट टू एनहैंस द क्वालिटी ऑफ नॉलेज इन योर लाइफ. देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द सोसाइटीज which you don't belong to. You were not knowing anything about their society, but you have the vigor, you have the will, you have the space of understanding that particular society, so that you learn the greater aspects, the scientific aspects, the artistic aspects of that society. So thank you for when you comment like this, then the teacher understands that it's going in a right manner, क्योंकि ये one way for a teacher becomes very troublesome. Anyhow, उसके बाद आप देखिए कि हम देखना चाहेंगे कि भाई education को लेकर के बाकी थोड़ा सा, I just a glimpse that education को हमारे जो विद्वत जन हैं उन्होंने कैसे समझा. अगर आप देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने कैसे समझा education को. रविन्द्रनाथ टैगोर ने समझा कि एजुकेशन हम तभी कह सकते हैं एजुकेशन कि एक व्यक्ति या एक समाज एजुकेटेड है जब
उसके जो गुण हैं वो हमेशा समाज को हारमोनियस रिलेशनशिप की तरफ ले जाएं, राइट? ऑलवेज दे विल बिल्ड अ हारमोनियस सोसाइटी, देन वी विल से दैट एजुकेशन हैज प्लेड इट्स रोल. दिस इज व्हाट रविन्द्रनाथ टैगोर्स फोकस वॉज विथ रिगार्ड टू एजुकेशन. और अगर आप देखें कि हमारे जो यूनेस्को और यूडीएचआर के जो गाइडलाइंस है, दे ऑल्सो टॉक अबाउट पीस एंड हारमोनी, राइट? भाईचारा, पीस, हारमोनी एंड ऑल दैट. सो जस्ट रिलेट विद दोज थियोरीज एंड द प्रिंसिपल्स विच हैव बीन प्रोपगेटेड. सेकेंड, गांधी जी ने क्या कहा, 150th एनिवर्सरी मना रहे हैं हम लोग. आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इन डीएलएड, आप लोग बहुत सारे वेबिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस अभी हो रहे हैं हर जगह, आपके उत्तर प्रदेश में ही इतने सारे हो रहे हैं, तो अपने आप को कनेक्ट कीजिए. और आज की जो पीढ़ी है, मैं जानती हूँ वो बहुत ज़्यादा टेक्स्ट रीडिंग में नहीं जाती है, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी टेक्स्ट रीडिंग का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता. द मोर यू रीड द मोर यू इवॉल्व, है ना? द मोर न्यू एक्सपीरियंसेस आर देयर इन योर लाइफ. बट देर आर वेबिनार्स विच आर हैपनिंग विच विल टेल यू एटलीस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन गांधी एंड सोसाइटी, गांधी एंड एजुकेशन, गांधी एंड फैमिली, गांधी एंड पॉलिटिक्स, गांधी एंड करेज, गांधी एंड मूवमेंट. सो देर आर सो मेनी थिंग्स, सो यू कैन एजुकेट योर सेल्फ थ्रू द वेबिनार्स की गांधी के क्या व्यूज थे. सो गांधी के व्यूज आप एनसीईआरटी की किताब में जैसे ही आप खोलिएगा तो आपको गांधी का तालिस्मान मिलता है. तो वो तो हु एल्स देन एजुकेशन पीपल हु आर कमिंग इन टू एजुकेशन विल से एनसीईआरटी की किताबों में आपको देखने को मिल जाएगा. सो गांधी टॉक्ड अबाउट बेसिक एजुकेशन, है ना? उन्होंने जो बात की, उन्होंने किया बुनियादी तालीम. एजुकेशन हैज, थोड़ा थोड़ा मैं बोल रही हूँ बिकॉज दीज अ पर्सन कैन गो 7 days स्पीकिंग अबाउट गांधी एंड एजुकेशन, राइट? अ पर्सन कैन गो 7 days टॉकिंग अबाउट रविंद्रनाथ एंड एजुकेशन. सो आई एम जस्ट गिविंग द ग्लिम्स वॉट वॉज देयर, यू नो, फोकस ऑफ एजुकेशन वेन इट कम्स टू ही सेड बुनियादी तालीम. एंड इन दैट बुनियादी तालीम सेड एजुकेशन इज दैट कॉम्पोनेंट इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ विच कंस्ट्रक्ट्स द माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, जिसको क्लासिकल एजुकेशनिस्ट ने भी, आप वेस्टर्न अगर देखते हैं, सो दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट माइंड, बॉडी एंड सोल. एजुकेशन हैज अ केपेबिलिटी टू शेप और टू इवॉल्व, यू नो, टू शेक योर माइंड, यू नो, टू चेंज योर माइंड फॉर डिजायर्ड चेंजेस, टू ऑल्सो, यू नो, कॉन्ट्रीब्यूट टू द बॉडी, बिकॉज वी नो देयर इज समथिंग कॉल्ड साइकोसोमैटिक, है ना? हमारी जो सोच है उसका असर हमारे शरीर पे पड़ता है. अगर हमको डर लग रहा होगा, एग्जामिनेशन का होगा, एग्जामिनेशन फोबिया होगा, तो हमें क्या होगा, हमें भूख नहीं लगेगी, हमारा एपेटाइट खत्म हो जाएगा. सो ऑल दिस आर इंटर रिलेटेड. सो वील हैव टू बेसिकली अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट. तो वो उनका था कि ऐसा एजुकेशन उस चीज़ का नाम है, वो कॉम्पोनेंट है जो कि हमारे, हमें बुनियादी तरीके से कई तरीके से हमें इवॉल्व करने में मदद करता है. विवेकानंद जी का कहना था एजुकेशन इज कॉन्शियसनेस, चेतना का, चेतना जागरण इज, यू नो, एजुकेशन. जब हम कहते हैं चेतना जागरण, तो उसका क्या मतलब है कि वी कॉन्शियसली थिंक अबाउट, यू नो. वैसे ही हमारे एक फिलोसोफर थे पॉलो फेरे, आपने सुना होगा, क्रिटिकल कॉन्शियसनेस की बात की उन्होंने, है ना? कि क्रिटिकल कॉन्शियसनेस मतलब किसी भी चीज़ का जो क्रिटिकल अवेयरनेस है, ये है तो क्यों है, इसमें हमारा क्या रोल है, इसमें किस तरीके से किन किन लोगों का क्या रोल है, और ऐसा एजुकेशन है तो ऐसा क्यों है. अब एजुकेशन एंड सोसाइटी को रिलेट करें ना, तो इसके विचारधारा के तहत से भी हम समझने की ज़रूरत है. मैं ग्लिम्स जरूर छोड़ूंगी ताकि वन ऑफ द एजेंडा ऑफ अ टीचर इज टू क्रिएट क्वेस्ट फॉर नॉलेज. तो वो काम भी मैं बखूबी आज अपना करूंगी कि आप फिर आपका मन हो कि आप जा करके पढ़ें कि ये क्या कह गई डॉक्टर पांडे, है ना? तो लेट अस गो एंड लेट्स क्वेश्चन डॉक्टर पांडे ऑल्सो, लेट्स सी वेदर शी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स इवॉल्विंग स्टूडेंट्स एट सच अ यंग एज. सो इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू लुक इन टू दी एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन. तो उन्होंने क्या कहा, पॉलो फेरे ने कहा क्रिटिकल कॉन्शियसनेस की बात की.
वो क्रिटिकल कॉन्शियसनेस में बहुत सारी चीजें समाहित हो जाती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई चीज, कोई नया निर्माण हुआ या फिर कुछ नया, वहाँ अगर कहीं पे भी कोई इजाद हुआ, कोई चीज़ का आविष्कार हुआ, तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ से हम सीखते हैं. लेकिन वी आर नॉट सपोज टू ब्लाइंडली फॉलो दैट पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज देन विल, एक चीज़ का आविष्कार हुआ, वो आविष्कार हमारे कैसे काम आ सकता है, हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य क्या है, उसको हम कैसे ढाल सकते हैं, उस नज़रिए से चीज़ों को लेकर के और फिर आगे बढ़ना, एंड क्रिएटिंग न्यू मीनिंग, एज आई सेड, देन इट इज़ कॉल्ड. सो दैट इज़ हाउ, यू नो, विवेकानंद सेड कि एजुकेशन इज समथिंग विच इज़ कॉल्ड कॉन्शियसनेस, है ना, इट इज़ अ कॉन्शियसनेस क्रिएटिंग मेकिंग काइंड ऑफ थिंग. देन यू नो फर्दर, अगर हम जय कृष्णमूर्ति जी का नाम नहीं लेंगे, तो फिर हम उन, मतलब एजुकेशन के साथ विल नॉट बी डूइंग, यू नो, जस्टिफाइंग दी टर्म, बिकॉज ही वॉज द वन हु टॉक्ड अबाउट, यू नो, राइट काइंड ऑफ एजुकेशन इज समथिंग विच प्रोवाइड्स यू मीनिंग ऑफ लाइफ. थोड़ा सा फिलोसॉफिकल अगर मैं हो जाऊं, तो हम लोग ये हमेशा सोचते हैं ना, हम करना क्या चाहते हैं, व्हाट इज़ अ विजन ऑफ माय लाइफ, व्हाट इज़ अ गोल ऑफ माय लाइफ. सो राइट काइंड ऑफ एजुकेशन इज एजुकेशन विच एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स मेकिंग, टुवर्ड्स परसुएडिंग यू, स्ट्राइविंग फॉर, हमेशा संलग्न रहना इस बात में कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और वो कहाँ लेकर के जाएगा, किस तरीके से ले जाएगा, क्या वो विकासात्मक है, समाज के विकास. सो इज इट दैट द बुक, इफ यू कैन रीड दिस बुक, प्लीज रीड इट, एजुकेशन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ, यू नो, रिटन बाय जय कृष्णमूर्ति. फिर अगर देखें वेस्टर्न, इसमें अगर देखें तो रूसो एक थे, बहुत बड़े विचारक, है ना. रूसो ने क्या किया, रूसो ने ही टॉक्ड अबाउट दैट, बहुत अच्छी बात कही, मैं तो अभी इसको कोट करती हूँ क्योंकि वो फिर रिकॉर्ड हो जाएगा, आप देख सकते हैं. एडुकेशन ऑफ मैन कमेंसेस एट हिज बर्थ, जैसे ना, जैसे ही आपकी पैदाइश होती है, उसका एजुकेशन शुरू हो जाता है ना. बिफोर ही कैन स्पीक, बिफोर ही कैन अंडरस्टैंड, ही इज ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड, है ना. आप जिस घर में पैदा होते हैं, जिसके यहाँ पैदा होते हैं, वहीं से आपको इंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, भाई सुबह उठना है, शाम को टाइमली सोना है, अर्ली राइज, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, है ना, एंड ऑल सच थिंग्स, ऑल दिस लेसन. सो यू नो दैट द इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस ऑफ एजुकेशन बिगिन्स राइट राइट इन द बिगिनिंग, द मोमेंट यू आर बॉर्न. एक्सपीरियंस इज द फोर रनर ऑफ द परफेक्ट, है ना. सो एक्सपीरियंस, अब मैं अपने बच्चे को उतना ही तो एजुकेट करूंगी जितना मेरा अनुभव होगा, इसीलिए क्रिटिक है. फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन कैन नॉट गिव एवरीथिंग टू हिज और हर चाइल्ड. द प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ बीइंग्स, रिलेशनशिप, एसोसिएटिव लर्निंग, ऑल दिस कैन बी गिवन बाय द सोशल इंस्टीट्यूशन कॉल्ड फैमिली. लेकिन परिवार सब कुछ नहीं दे सकता है, क्योंकि वो एक अस्क्राइब्ड स्टेटस है ना. ये तो फिर हमारा लक है, भाग्य है कि हम जिस परिवार में पैदा हुए, वहाँ का जो इंस्ट्रक्शंस है वो सब आ रहे हैं. तो ओनस कहाँ आता है, ओनस आपके पास आता है ना. इसलिए आपको बहुत ज़्यादा संजीदगी से शिक्षा ग्रहण करनी है, क्योंकि यू आर क्रिएटिंग द लर्निंग एनवायरमेंट फॉर द चाइल्ड हु हैज़ नॉट लर्न इनफ इन द फैमिली, हु इज नॉट गेटिंग इनफ एनवायरमेंट इन द फैमिली टू लर्न एवरी थिंग, शुड बी प्रोवाइडेड एन एनवायरमेंट इन अ स्कूल और इन अ प्लेस वेयर यू आर इंटरैक्टिंग विद द चाइल्ड. क्योंकि वहाँ जब वो बच्चा पहुँचेगा, स्कूल में जब वो बच्चा पहुँचेगा, तब वो अपने सेल्फ से बात करना शुरू करेगा. देन द चाइल्ड विल हैव अ स्पेस टू इंटरैक्ट विथ, यू नो, पीयर ग्रुप, टू इंटरैक्ट पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोशियोलॉजी, कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड, डिफरेंट कल्चर्स. तब उस बच्चे को एहसास होगा, अरे मैं तो वो जो ककून है ना, वो एक एक जो प्यूपा में जो तितली रहती है, मैं तो अभी उससे बाहर आया. तो फैमिली वो प्यूपा वाला काम करता है ना. उतना ही फैमिली कैन
अब मुझे परिवार के लोग ये ना सोचे कि मैं उसकी खिलाफत कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन परिवार का एक लिमिटेशन है, जो है सो है। सो द पेंडोराज ऑफ लर्निंग, यू नो, द वेन्यूज ऑफ लर्निंग स्पेस इज ओपनिंग अप इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, राइट? एंड देन द चाइल्ड इज कमिंग इन टू दी कॉन्वर्सेशन विद डाइवर्स डाइवर्स एक्सपीरियंस। एक एक्सपीरियंस अपने परिवार में होता है, बाहर जब गए तो डाइवर्स एक्सपीरियंस जो हुआ वहां से लर्निंग का एक सही, मतलब यू नो, इंटरेक्शन जिसको कहते हैं कि अरे ये तो हमारे घर में नहीं होता, ये तुम्हारे घर में होता है, अच्छा ये भाषा बोलते हैं, वो भाषा बोलते हैं, ये खाते हैं, ऐसे बनता है। तो एक ही चीज की 50 रेसिपी है ना, 100 रेसिपी देखने को मिलती है जब उस बच्चे को, तो वो बच्चा का हराइजन, पर्सनल हराइजन स्टार्ट ब्रॉडनिंग। दिस इज वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन आर सोसाइटी, ठीक है? तो रूसो उसको बोलते हैं। स्पेंसर एक सोशियोलॉजिस्ट थे, स्पेंसर ने क्या बोला, एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग, एजुकेशन इज समथिंग विच इज अ कंप्लीट लिविंग, है ना? जो आप जीवन जीना, जीने का तरीका है उसको आप लर्न करते हैं थ्रू एजुकेशन से। तो आपको अपने होने का मायने पता चलता है, आसपास के संबंधों का मायने पता चलता है, आपको अपनी जिम्मेदारियों का मायने पता चलता है, और यही सब तो चाहिए लिविंग के लिए, राइट? सो हाउ यू कैन बी पार्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी क्वालिटेटिवली, इसका पता चलता है। तो स्पेंसर टेल्स इट दैट एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग, है ना? अब कंप्लीटनेस के ऊपर भी एक लेक्चर हो सकता है, व्हाट इज कंप्लीटनेस, राइट? कंप्लीटनेस नेवर नेवर एवर इट इज यू नो लिमिटेड टू योर सेल्फ। कंप्लीटनेस इज ऑलवेज कैन बी सीन इन दी सोशल एनवायरनमेंट, इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल। एक होमवर्क दे रही हूँ कि व्हेन वी से दैट देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी, सो प्लीज गो एंड फाइंड द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ सोशल, वॉट इज सोशल, राइट? देन यू विल अंडरस्टैंड, वो 16-17 मीनिंग है अगर आप सोशल को पढ़ें तो। वी विल ऑल्सो गेट टू नो दैट द इफ वी से दैट एजुकेशन इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, दैट मीन्स वील हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सोशल। एंड वंस यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सोशल, यू बिल्ड अ पर्सपेक्टिव टू अंडरस्टैंड द बेसिक इथॉस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है? वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देन कृष्ण कुमार, तो मैं चाहूंगी कि कृष्ण कुमार जी को आप लोग पढ़े भी, क्योंकि उन्होंने किताब लिखी राज समाज और विकास, कुछ ऐसा है ना, राज समाज, आई थिंक आई विल गिव यू दी, हाँ, राज समाज व शिक्षा करके एक किताब उन्होंने लिखी है, तो वो किताब जरूर पढ़े, है ना, कृष्ण कुमार जी की। तो यू नो ही सेज दैट एजुकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स, है ना? इसीलिए कई बार एजुकेशन को हम वी गिव एग्जाम्पल, जैसे वी डू जेंडर एजुकेशन इन स्कूल्स, है ना? हम स्कूल्स में जेंडर एजुकेशन करते हैं, तो हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए छोटे बच्चे को अगर हम एक छोटा सा वो उदाहरण देते हैं, मैं कहती हूँ बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में कि अगर हम कहते हैं मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, राइट? सो कॉइन्स आर बीइंग ब्रॉट बाय फादर, एंड माँ का काम तो हमेशा रोटी बनाने का है। एक छोटे बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं हम ये चीज़ भी डाल देते हैं। तो क्रिटिकल कॉन्शियसनेस की थ्योरी क्या कहती है? क्रिटिकल कॉन्शियसनेस की थ्योरी ये कहती है कि एजुकेशन इज एजुकेशन इन रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, राइट? ऐसा जरूरी नहीं है, पापा की रोटी भी गोल गोल हो सकती है और मम्मी का पैसा भी गोल गोल हो सकता है। व्हाई? बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सेज दैट राइट टू इक्वालिटी है। Whosoever is educated, whosoever is you know have the opportunity, qualify that opportunity, can go into the professional venture. सभी को विकसित होने का उतना ही हक है, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। सो क्रिटिकल कॉन्शियसनेस क्या कहता है कि हम ऐसे कंटेंट रखें क्लास में
जब हम इंटरैक्ट करते हैं एजुकेशन में, जिससे कहीं ना कहीं हम कुछ प्रेजुडिस ना पैदा कर दें। हम बच्चे को फ्री ऑफ प्रेजुडिस, फ्री ऑफ यू नो सच जेंडर बायस एटीट्यूड, ऐसा थोड़ा हमारा कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चे को मतलब थोड़ा फ्री ऑफ बायस सोचने पे मजबूर करे। ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस है उसको आधारभूत तरीके से। हम तो बड़े मजे से खेल रहे हैं, हम तो उनको कह रहे हैं, हम एक छोटी सी पिक्चर दिखाते हैं बच्चे को जहाँ पे हम कहते हैं डी फॉर डॉक्टर, राइट, एन फॉर नर्स, राइट। सो व्हाट आर वी शोइंग? डी फॉर डॉक्टर हम दिखाते हैं, एक मेल है जो कि स्टेथोस्कोप लेकर के खड़े हैं, है ना। और एन फॉर नर्स जब हम दिखाते हैं तो हम दिखाते हैं एक लेडी है जो व्हाइट कलर का स्कर्ट पहनी हुई है ना, और व्हाइट वो रोब पहनी हुई है। तो बच्चे को सिर्फ हम एन फॉर नर्स और डी फॉर डॉक्टर ही नहीं समझा रहे, द पिक्चर ट्रांसलेट्स इन द माइंड ऑफ द चिल्ड्रन, यंग टेंडर माइंड, दैट मेल्स कैन बिकम डॉक्टर्स एंड वुमेन कैन ऑप्ट फॉर नर्सेज। ये आपने कहा नहीं, ये आपने पिक्चर ऐसा दिखाया कि उस पिक्चर ने कहीं ना कहीं बहुत कुछ कह दिया। सो द क्रिटिकल द योर टेक्स्ट शुड बी बेस्ड ऑन क्रिटिकल एस्पेक्ट्स, यू नो, यू हैव टू जज द टेक्स्ट। अपने टेक्स्ट को, जिस टेक्स्ट को लेकर आप जा रहे हैं लर्निंग के लिए, उसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि आप वो कितना कहीं कोई बायस ना क्रिएट कर दे, राइट। बिकॉज ऑल सेट एंड डन, यू आर गोइंग टू थ्रू दिस एजुकेशन दैट पर्सन इज गोइंग टू बिकम एन एक्टिव ऑपरेटर इन सोसाइटी। तो ये आपको अपने ध्यान में रखना है। सो दैट इज वाई, यू नो, दैट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। मैं आप जल्दी जल्दी खत्म करूंगी कि मुझे ये एहसास हो रहा है कि मैं बड़ा टाइम ले लिया है। समाज के बारे में, समाज की जो विचारधारा है ना, अलग अलग तरीके से विचार को, जैसे फंक्शनलिस्ट थियरी है, कन्फ्लिक्ट थियरी है, इसके बारे में मैं बाद में, बाद के क्लासेस में जरूर चर्चा करूंगी। पर एक जो इम्पॉर्टेंट चीज जिसके बारे में हमने कही कि इट इज़ अ रैशनल सोसाइटी, इज समथिंग, एजुकेशन इज समथिंग विच गिव्स यू एन कैपेसिटी टू थिंक रैशनल, ठीक है, और क्रिटिकल कॉन्शियसनेस की बात हमने कही। दूसरा है कि वो शिक्षा ही है जो कि आपको प्रेरित करता है सामाजिक परिवर्तन के लिए, है ना। सोशल चेंज इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, राइट। अंटिल अनलेस द सोसाइटी इज एजुकेटेड, द चेंज विल नेवर कम। एंड दैट इज वाई आई सेड, अंटिल अनलेस वी आर नॉट क्रिटिकली एंगेजिंग विद द कंटेंट विच वी आर गोइंग टू सर्व इन द क्लास, वी आर नॉट गोइंग टू सर्व फॉर सोशल चेंज। सो द एजुकेटर्स आर द इम्पॉर्टेंट एंड एक्टिव यूनिट्स, इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोशल चेंज। ये रिलेशनशिप है। अगर समाज शिक्षित ही नहीं है तो जो जो परिवर्तन लाने की जरूरत है समाज में, अच्छे के लिए, विकास के लिए, वो हो ही नहीं सकता। दैट्स अ प्री रिक्विजिट, बींग एजुकेटेड, दैट्स अ प्री रिक्विजिट। अगर आप देखें, दूसरा क्या है कि एक छोटा सा मुझे तुलसीदास जी याद आ गए जो लिखते हैं कि पराधीन सपने सुखना है। अगर हम एजुकेटेड नहीं होते तो क्या हम फ्रीडम एक्सेस कर पाते? हम फ्रीडम स्ट्रगल जीत जाते क्या? नहीं, हम स्वतंत्र नहीं हो पाते। जिसको हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, स्वायत्त हैं ना, सॉवरिन हैं, तो ये काम हम नहीं कर पाते इफ अगर एजुकेटेड नहीं होते। जो हमारे फोर फादर्स थे, जो हमारे लीडर्स थे, जब उनको एजुकेशन मिला अबाउट रिवोल्यूशंस, दे रेड अबाउट फ्रेंच रिवोल्यूशन, दे रेड अबाउट अमेरिकन रिवोल्यूशन, दे रेड अबाउट मैग्ना कार्टा चार्टर्स, दे रेड अबाउट डिफरेंट थिंग्स, दे देन दे सेड, अरे वी आर बीइंग, यू नो, वी आर इंस्लेव टूवर्ड्स द ब्रिटिशर्स, हमारे यहाँ कॉलोनियल रूल है, इसके हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनानी होगी जिसके तहत हमें एजुकेशन मिल सकता है, तो सामाजिक परिवर्तन आएगा, है ना। हमारे विद्वजनों ने ये कहा कि एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर वुमेन। हाँ, हाउ कैन आई मूव अहेड विदाउट थैंकिंग यू नो सावित्री बाई फुले, जिनकी वजह से आज मैं ये क्लास ले रही हूँ। मैं कैसे उनको अपने संदर्भ में याद ना करूँ? जब भी मैं कुछ पढ़ती हूँ नया और या ऐसी क्लासेस लेती हूँ, आई ऑलवेज थैंक हर बिकॉज द लाइट विच शी टुक यू नो फॉरवर्ड टूवर्ड्स वुमेन्स एजुकेशन, उन्होंने बोला, है ना। तो
सावित्री बाई फुले हो गए, फातिमा शेख हो गई, पंडिता रमाबाई जैसे लोग हो गए, ये लोग कैसे, इनको पता चला कि एजुकेटेड हुए तब तो सामाजिक परिवर्तन किया और जो चीज़ ज़रूरी है और जैसे समाज विकसित कर सके, वो एक एस्पेक्ट है। तो और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब आप एजुकेटेड होते हैं तो आप अपने सांस्कृतिक गुणों को है ना वैज्ञानिक तौर तरीके से समझते हैं। मसलन ये कह के ना मैं एक दो किताब आपको बताऊंगी और उसके बाद आई विल रिमेन क्वाइट एंड आई विल टेक क्वेश्चंस इफ यू राइट, है ना। हमारे जो अगर देखिए कबीर का एक दोहा है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। सो गॉड नोज, गॉड इज, इफ गॉड एग्जिस्ट एनीवेयर, इफ गॉड का मतलब ये नहीं है कि कोई, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एन आइडोल और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी बडी, आई एम टॉकिंग गॉड एज एन इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन ऑफ नॉलेज, राइट। सो माई नॉलेज सेज कि ये जो दोहा कबीर ने लिखा है वो इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत क्रिटिकली इसको लिखा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े, गॉड है या गॉड के बारे में कौन बताता है, ये गुरु ही बताता है, एजुकेटर्स बताते हैं। सो नॉलेज के बारे में कौन बताता है, एजुकेटर्स बताते हैं। तो अंटिल एंड अनलेस, सो दैट इज व्हाई इट हैज बीन सेड, अगर गॉड को भी जानना है या नॉलेज को भी जानना है तो उसको तो एजुकेटर बताएगा ना। तो दैट्स व्हाई द डिसीजन हैज बीन मेड दैट अगर वो दोनों खड़े हैं तो जानकारी किसका पैर छूना है, किसके सामने नमन होना है, एजुकेशन एज एन इंस्टीट्यूशन के सामने नमन हो रहा है, क्योंकि एजुकेशन एज एन इंस्टीट्यूशन को आप जानेंगे तब तो आप समाज की अच्छाई बुराई, समाज में क्या चीज चाहिए, तार्किक तरीके से रीजन तरीके से समाज में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। सो आई रिमेन हियर क्योंकि बहुत कुछ बोला जा सकता है। मैं चाहूंगी कि आप वो किताबें पढ़ें जो शिक्षा का समाज शास्त्र जिस हो जिसमें, सो ऑल्सो रीड मकाइवर एंड पेज, हाँ सोशियोलॉजी की किताब है आप उसको पढ़ सकते हैं, कृष्ण कुमार की किताब मैंने बताई आप पढ़ सकते हैं, शारदा तिवारी की किताब आप पढ़ सकते हैं, एंड गो फॉर आर्टिकल। आज तो आजकल आप लोग इतना ऑनलाइन सेवी हैं आप लोग, क्या पढ़ने से ज़रूरी है कि फोकस ऑन कोई चीज़ कैसे पढ़ना है और उसको हम किस तरीके से समाज में परोस सकते हैं, सो दैट यू नो एजुकेशन एजुकेशंस इथॉस एंड विजन कैन बी अचीव्ड। सो थैंक यू सो मच, एनी क्वेश्चन, आई टेक योर क्वेश्चन इफ क्वेश्चन आर देयर, मे बी आई कैन आंसर इट इन द नेक्स्ट क्लास, बट देन आई वुड लव टू टेक योर क्वेश्चन। I hope I made sense. Afternoon. आपके सवाल हैं तो आप सवाल करें। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। अ गुड टीचर विल ऑल्सो हैव टू इनकलकेट द स्किल्स ऑफ पोजिंग क्वेश्चंस, है ना, एंड आंसरिंग इट ऑल्सो डेफिनेटली, पर पहले हम सवाल पूछना तो सीख जाएं। ओके सो आई विल टेक योर लीव, लेट मी सी इफ आई हैव, बिकॉज आई कैन सी 53 मिनट्स, सो इफ आई हैव सम टाइम रैशनल लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग इज डन 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 डन। हाँ एक और पॉइंट है और वो ये है कि व्हेन वी से दैट एजुकेशन इज़ अ टूल टू सोशल चेंज, देन एजुकेशन इज आल्सो अ टूल टू सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल इज समथिंग विच वी आर सपोज टू स्टडी इन, इट्स अ सिलेबाई इन सोशियोलॉजी। तो
सामाजिक नियंत्रण का भी काम करता है। कैसे करता है? क्योंकि हमारे व्यवहार और सबसे हमको कैसे व्यवहार होना चाहिए, ऑल दिस वी गेट टू नो। ओके, सो थैंक यू। यस सर, बंद कर दें आप, एंड लाइफ कर दें। थैंक यू। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच एंड यस आई विल बी वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। I enjoyed. Thank you so much for contributing in my, enhancement of knowledge. Thank you.